नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ हम सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक एंड्रॉइड फ़ोन है और दोस्तों अगर आपके पास भी एक आईफोन है और दोस्तों अगर आप भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन से आईफोन में या आईफोन से एंड्रॉइड फ़ोन में अपने जो वीडियो ट्रांसफर करना चाहते हैं, वीडियोज़ की फाइल लेना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे जो है HD क्वालिटी में अपनी जो है वीडियो की फाइल यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है और आप अपने आईफोन से आईफोन में वीडियो की HD क्वालिटी में फाइल लेना चाहते हैं या फिर आईफोन से एंड्रॉइड फ़ोन में अपनी वीडियो की HD क्वालिटी की फाइल्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा स्टेप बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे व्हाट्सअप अगर आप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप पर अगर आप ट्रांसफर करते हो वीडियो फाइल ट्रांसफर कर सकते हो एक फोन से दूसरे फोन में। अगर व्हाट्सअप पर अगर आप वीडियो फाइल ट्रांसफर करते हो तो वो जो है क्वालिटी आपकी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जो है WhatsApp पे आपकी जो है क्वालिटी रिड्यूस हो, वीडियो फाइल की क्वालिटी यहाँ पे जो है कम हो, रिड्यूस हो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप इजीली जो है अपने आईफोन से एंड्रॉइड फोन में या एंड्रॉइड फोन से आईफोन में जो है वीडियो की फाइल्स यहाँ पे HD क्वालिटी में वीडियो की फाइल्स ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे अपने आईफोन से एंड्रॉइड फोन में या एंड्रॉइड फोन से आईफोन में अपनी जो है वीडियो की फाइल्स यहाँ पे जो है ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने एंड्रॉइड फोन से अपने आईफोन में या अपने आईफोन से अपने फोन में वीडियो फाइल ट्रांसफर करने, वीडियो फाइल सेंड करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको देखिए, तो ये मेरे पास है एंड्रॉइड फोन और दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे पास आईफोन है। और दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना एंड्रॉइड फोन लेना है। एंड्रॉइड फोन में दोस्तों यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर खोलना है और गूगल प्ले स्टोर में दोस्तों यहाँ पे ऊपर आना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, शेयर करो, ठीक है दोस्तों? तो ये शेयर करो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करना है और सेम एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे आपको अपने आईफोन में डाउनलोड करना है। यहाँ पे प्ले ऐप स्टोर पे आना है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है, शेयर करो। तो ये दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये एंड्रॉइड वाला है, ये आईफोन वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एंड्रॉइड फोन लेना है दोस्तों। शेयर करो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। ओपन जब करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको अलाउ कर देना है। आपको अलाउ करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको बताया जाएगा सेंड रिसीव इनवाइट शेयर टू PC, शेयर टू iOS और शेयर टू Jio, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर टू iOS वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों ये आपसे परमिशन मांगेगा, ओपन GPS, ग्रांट लोकेशन परमिशन और ओपन ब्लूटूथ। तो यहाँ पे तीनों परमिशन यहाँ पे आपको दे देनी है। सबसे पहले लोकेशन वाली परमिशन है, ये मैंने दे दी। इसके बाद ये वाली परमिशन है, ये मैंने अलाउ कर दिया इसको। और यहाँ पे दोस्तों ब्लूटूथ वाली परमिशन है, ये ब्लूटूथ वाली परमिशन भी इसको दे दी, ठीक है? तो ये तीनों परमिशन मैंने दे दी और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट वाले बटन पर दोस्तों यहाँ पे आपको जो है QR कोड आएगा वो जनरेट करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको शेयर करो एप्लीकेशन खोलना है अपने आईफोन में। और आईफोन में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा, शेयर टू iOS और शेयर टू एंड्रॉइड। तो शेयर टू एंड्रॉइड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो QR कोड आपने लिया है उस QR कोड को यहाँ पे ज्वाइन करना है और यहाँ पे स्कैन करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों क्या होगा, ये दोनों फोन जो है कनेक्टेड हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। ये एंड्रॉइड फोन है, ये आईफोन है और ये एंड्रॉइड फोन जो है अपने आईफोन से जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब इंटरकनेक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे जो है आप जो है फाइल यहाँ पे ट्रांसफर कर पाओगे। देखिए कनेक्टिंग वाले बटन पे आप यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, अब देखिए दोनों फोन जो है कनेक्टेड हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड फोन से अगर आईफोन में भेजना है या आईफोन से एंड्रॉइड फोन में भेजना है, यहाँ पे सेंड फाइल पे आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरे को एंड्रॉइड फोन से जो है आईफोन में सेंड करना है, तो यहाँ पे मैंने सेंड वाले बटन पे क्लिक किया, ऊपर यहाँ पे फाइल आ जाती है। देखिए वीडियो फाइल है, ऐप्स फाइल है, फोटोज है, म्यूजिक है, क्या मेरे को सेंड करना है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरे को वीडियो फाइल ये सेंड करनी है, तो मेरे को एक ये वाली वीडियो फाइल ले ली मैंने। देखिए एक ये वाली वीडियो फाइल है, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों एक ये वाली वीडियो फाइल है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है ये दो फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। देखिए ये भी ले लिया मैंने और ये भी ले लिया, दो फाइल मैंने ले ली और सेंड वाले बटन में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? तो अब मैंने सेंड वाले बटन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एंड्रॉइड फोन के अंदर ये एंड्रॉइड फोन से मैंने फाइल सेंड की और यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे आईफोन के अंदर यहाँ पे फाइल आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों इन फाइल को मैं प्ले करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं प्ले करता हूँ तो देखिए ये मेरी एंड्रॉइड फोन से आईफोन के अंदर फाइल आ चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए फाइल तो यहाँ पे सेंड हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो जब आपके फाइल मैंने यहाँ पे गैलरी के अंदर यहाँ पे आईफोन की गैलरी के अंदर तब दिखाएगा जब आप इसको इंपोर्ट करोगे। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक वाले बटन पे आपको आना है और दोस्तों यहाँ पे जो है इसको कैंसिल करना है, आपको एग्जिट करना है और यहाँ पे बैक आना है। और बैक आएंगे तो दोस्तों नीचे आपको फाइल्स वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे इंपोर्ट वाला एक यहाँ पे रिसीव वाला एक ऑप्शन आएगा। देखिए रिसीव वाले ऑप्शन में यहाँ पे जितने भी आपने वीडियो लिए हैं या फोटोज लिए हैं, वीडियो फोटो जो भी लिए हैं उनको अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक एडिट वाला एक बटन दिखता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जिस वीडियो को फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला वीडियो इंपोर्ट कराना है, ये वाला वीडियो करवाना है, तो ये मैंने दो करा लिया। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक इंपोर्ट वाला बटन दिखता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इंपोर्ट वाले बटन पर जब आप करेंगे तो ये बोलेगा इंपोर्ट सक्सेसफुली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब आपको अपने आईफोन का फोटोज यहाँ पे ओपन करना है और एल्बम वाले बटन पे आना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों इंपोर्ट वाला यहाँ पे जो ऑप्शन आना है और यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला वीडियो मैंने लिया था,
और देखिए दोस्तों इसको चला के आपको दिखाता हूँ, इसका साउंड भी आ जाता है और पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे जो है इम्पोर्ट यहाँ पे आप करा सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो और भी जहाँ बाकी जो है वो यहाँ पे जो है इस तरह से आप यहाँ पे इम्पोर्ट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये तो बात हुई देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड से आईफोन में, और दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आप जो है आईफोन से एंड्रॉयड में भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना है देखिए दोस्तों, दोबारा से यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंड फाइल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, दोबारा से आपको न्यू कनेक्शन यहाँ पे डालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे शेयर टू iOS पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद दोस्तों देखिए दोबारा से होम बटन पे मैं आता हूँ और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसको मैं प्रिपेयर कर देता हूँ। तो इसका मैंने ये जो है ओपन कर दिया, ब्लूटूथ कनेक्शन इसका मैंने ओपन कर दिया और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद शेयर टू एंड्रॉइड पे मैंने क्लिक किया और दोबारा से एक नया कनेक्शन बनाया, क्योंकि दोस्तों वो वाला कनेक्शन कैंसिल करना पड़ा था, न्यू कनेक्शन यहाँ पे बनाया मैंने क्योंकि उसके अंदर फाइल इंपोर्ट कराई थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दोबारा से मैंने कनेक्टिंग किया मैंने, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कनेक्टिंग हो चुका। अब देखिए ये एंड्रॉइड से आईफोन में लेना है, अब मेरे को क्या करना है आईफोन से एंड्रॉइड में लेना है। तो यहाँ पे सेंड फाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भी मेरी फोटोज है वीडियोज है वो मेरे को यहाँ पे सेंड करना है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों मेरे को ये दोनों फाइल यहाँ पे सेंड करनी है, तो मैंने सेंड वाले बटन पे क्लिक किया और ये मेरा यहाँ पे जो है एंड्रॉइड फोन के अंदर यहाँ पे आ चुकी है देखिए दोनों फाइल। तो यहाँ पे मैं मेरे होम पेज पे दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको वीडियो फाइल यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारी वीडियो फाइल यहाँ पे जो है इंपोर्ट हो चुकी है, जो मैंने अभी अपने आईफोन से लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सारी वीडियो फाइल यहाँ पे आईफोन से लिए और ये सब इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फोन से आईफोन में या आईफोन से एंड्रॉइड फोन में यहाँ पे जो है वीडियो फाइल यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन है सुझाव है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, चल मिलते हैं आशा अगले, तब तक के लिए बोलते हैं हर मध्य मुझे बोलना।